डार्क सर्कल्स ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हो या लड़की, आपकी एज 18 साल है या 50 साल। बट आप मुझे बताइए कि ये डार्क सर्कल्स होने के पीछे रीजन क्या है। वेल, मैं मेरी बात करूं तो पिछले मंथ मैं 15 से 20 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया था। हार्डली मैं 1 से 2 घंटा ही सोता था, जिसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो गए थे। एंड उसको रिमूव करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें फॉलो करी एंड काफी हद तक काफी फास्टली मेरे डार्क सर्कल्स को मैं रिमूव कर पाया। तो अगर आपको भी जिद्दी डार्क सर्कल्स हो चुके हैं और उसको क्विकली रिमूव करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉजेस, टाइप्स ऑफ डार्क सर्कल्स और उसके साथ साथ मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मैं आपको 5 मोस्ट इफेक्टिव टिप्स देने वाला हूं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने उसको मिस किया तो आप कभी अपने डार्क सर्कल्स को परमानेंटली रिमूव नहीं कर पाओगे और ऊपर से आपके डार्क सर्कल्स और ज्यादा डार्क हो जाएंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। देखिए, डार्क सर्कल्स होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और उन रीजंस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तब भी आप अपनी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाओगे। तो एक एक करके मैं आपको सभी कॉजेस बताने वाला हूँ एंड आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको किस रीजन की वजह से डार्क सर्कल्स हुए हैं। फर्स्ट है स्लीप डेप्रिवेशन या फिर पुअर स्लीप स्केड्यूल। अगर आप ठीक से रात को सोते नहीं हो, रात रात भर जागते हो, तो आपको डार्क सर्कल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकंड, सर्टेन टाइप्स ऑफ एलर्जीज। अब देखिए, मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं और उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो जैसे कि आई क्रीम, मॉइस्चराइजर, तो आपको एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं। थर्ड है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। तो अगर आप धूप में विदाउट सनस्क्रीन या प्रोटेक्शन जाते हो तो आपको डार्क सर्कल्स होने के चांस बहुत ज्यादा है। फोर्थ है आयरन डेफिशिएंसी। फिफ्थ, अगर आप अपनी आंखों को बार बार रब करते रहते हो, टच करते रहते हो, तब भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। सिक्स है टेम्पररी डिहाइड्रेशन, मीन्स अगर आप कम पानी पीते हो, बहुत ही ज्यादा कम पानी, तब आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवंथ है स्मोकिंग एंड एट्थ है सडन वेट लूज। अगर आपका वेट एकदम से लूज हो जाता है तो आपकी आंखों से भी यहाँ पे फैट लूज हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, इसलिए डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। नाइन्थ है गेटिंग ओल्डर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। रीजन नंबर 10, अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आपको डार्क सर्कल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड लास्ट रीजन है फैमिली हिस्ट्री, मींस जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में लोगों को डार्क सर्कल्स होते आ रहे हैं तो शायद आपको भी जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये तो बात हो गई कॉजेस की, बट डार्क सर्कल्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। उसमें सबसे पहला है पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स, ये मोस्टली होता है ओवर सन एक्सपोजर की वजह से। सेकंड है वैस्कुलर डार्क सर्कल्स, ये ब्लूइश या फिर पर्पलिश कलर का होता है। थर्ड है स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स, इसके अंदर क्या होता है कि आंखों के अराउंड पफिनेस हो जाता है। फोर्थ है लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हो या फिर ठीक से पानी नहीं पीते हो, हाई स्ट्रेस लेते हो, तो आपको ये डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कॉजेस एंड टाइप्स ऑफ डार्क सर्कल्स की। अब इससे आपके काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम डार्क सर्कल्स को रिमूव कर रहे हैं तो हमें नेचुरल सॉल्यूशन की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई मेडिकल क्रीम लगाते हो या फिर कोई आई क्रीम लगाते हो तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हमारी आंखें डैमेज हो सकती है, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाला हूँ। सो रेमेडी नंबर 1, मेरी फेवरेट कोल्ड टी बैग्स। आपको ग्रीन टी के 2 बैग ले लेने हैं, उसको थोड़े से वार्म वाटर में सोक करना है 10-15 मिनट, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में उसको रख देना है कोल्ड होने के लिए। अब उसके बाद आपको सीधा आंखों पे रख देना है, 15-20 मिनट रहने दीजिए, रेस्ट करिए, उसके बाद उसको हटा देना है, वॉश कर देना है एंड उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा देना है आपके आंखों के नीचे, दैट्स इट। देखिए, रेसिडुअल कैफीन जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है और हमारे डार्क सर्कल्स रिमूव होते हैं। रेमेडी नंबर 2 है ग्रेटेड पोटैटोस और ग्रेटेड क्यूकम्बर्स। मतलब कि आपको पोटैटो लेना है या फिर ककड़ी लेनी है, उसको छील के लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पोटैटो एंड क्यूकम्बर ये कूलिंग वेजेस है, जो इन्फ्लामेशन जो हमारे आंखों के आजू बाजू हो जाता है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर है, तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है डार्क सर्कल्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोटैटो लेना है या फिर क्यूकम्बर ले लीजिए, उसको छील देना है और वो जो मसाला निकलता है उसको आंखों पे रख देना है, 5 से 10 मिनट रखे, उसके बाद
वॉश कर दीजिए। अब दूसरी तरीके से आप यूज कर सकते हो कि आप जो उसको छीलोगे उसके बाद उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल लेना है एंड उसके अंदर कॉटन बॉल को आपको डीप करना है एंड देन आपकी आंखों के ऊपर रख देना है। That's it. इसको भी आप 5 से 10 मिनट रखिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा बिजी हो, तो सिंपल पोटैटो या फिर क्यूकम्बर की स्लाइस ले लेनी है, आपके आंखों पे रख देनी है, 5 से 10 मिनट रखिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए। That's it. तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको यहाँ पे पफिनेस है, डार्क सर्कल्स है, तो ये इजिली रिमूव हो जाएंगे। रेमेडी नंबर 3 के लिए आपको आलमंड ऑयल लेना है और उसके अंदर लेमन जूस डालना है, 3 से 4 ड्रॉप ही, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा डालोगे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है। अब देखिए, लेमन के अंदर होता है एब्जॉर्बिक एसिड मींस विटामिन सी एंड उसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो आपको पफिनेस होती है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड जो डार्कनेस है वो भी ये रिमूव करता है। अच्छे से मिक्स करके आपकी आंखों के अराउंड लगाना है एंड अच्छे से मसाज करना है, फिर 5 से 7 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद आपको कोल्ड वाटर से वॉश कर देना है। अब देखिए, ये तीनों में से कोई भी एक रेमेडी आप लगा सकते हो, आपको जो पसंद है वो लगाइए, पर तीनों को साथ में मत लगाना। तो वीक में आपको सिर्फ 2 से 3 ही बार यूज करना है, तो अल्टरनेटिवली भी आप लगा सकते हो। अब देखिए, आपको रेमेडीज के अलावा कोई प्रोडक्ट भी यूज करना है, थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आई क्रीम या फिर मेडिकल क्रीम के अलावा आपको यूज करना चाहिए विटामिन सी सीरम। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपके आंखों के नीचे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। तो मैं आपको अच्छे सस्ते विटामिन सी सीरम के लिंक्स दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब आप लोग डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए रेमेडी तो बना लोगे, उसको वीक में 2 से 3 बार यूज भी कर लोगे, बट आपको क्या लगता है इससे आपके डार्क सर्कल्स परमानेंटली रिमूव हो पाएंगे? तो आंसर है नहीं। डोंट वरी, अब मैं आपको जो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको फिर से डार्क सर्कल्स होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। टिप नंबर 1, मॉइस्चराइज द स्किन अंडर द आईज। देखिए, हमारी आंखों के नीचे जो स्किन होती है वो बाकी स्किन के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा थिन होती है, पतली होती है, तो बहुत ज्यादा जल्दी वो ड्राई हो जाती है, तो ड्राइनेस की वजह से आपको डार्कनेस हो सकता है, दैट्स व्हाई आपको मॉइस्चराइज करना है। तो यहाँ पे आपको कोकोनट ऑयल लगाना है या फिर आलमंड ऑयल लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगा देना है, दैट्स इट। टिप नंबर 2, कंज्यूम अ डाइट दैट्स रिच इन विटामिन सी एंड आयरन। ये कुछ फूड्स हैं जिसमें विटामिन सी एंड आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी डाइट में इसको धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर दो। टिप नंबर 3, अवॉइड स्ट्रॉन्ग आई कॉस्मेटिक्स। अब देखिए, आप कोई भी आई क्रीम यूज करते हो या फिर लड़की हो तो मेकअप करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर केमिकल्स ना हो। अगर हार्मफुल केमिकल्स होंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है, एलर्जीज की वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। टिप नंबर 4, अवॉइड रबिंग योर आईज ऑल द टाइम। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5, वेयर सनग्लासेस। अगर आप धूप में जाते हो, बहुत ज़्यादा हार्श धूप है, तो आपकी ये जो पतली स्किन है जल्दी डैमेज हो जाती है, जल्दी टैन हो जाती है, तो आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब बोनस टिप भी आपको देना चाहूँगा कि मोस्टली यंगस्टर्स के अंदर जो डार्क सर्कल्स होते हैं, अच्छे से नींद नहीं लेते, उसकी वजह से होते हैं, तो आपको डीप स्लीप लेना है, मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डार्क सर्कल्स के ऊपर वीडियो लाओ, तो ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करिए, आपकी डार्क सर्कल्स बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएंगे। एंड अगर आपके बचपन का कलर, ओरिजिनल स्किन कलर अगर आपको वापस लाना है, आपका अनइवन स्किन टोन है, तो ये वीडियो मैंने बनाया है, देख लेना, मैं आपको वही मिलूंगा। कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव एंड राधे राधे।